पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को सीकर आए। यहां उन्होंने शिशुमपुरा स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी पत्नी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया? हाँ, तो वो तो कहा था उन्होंने, और वैसे नहीं भी देते तो उनको दे क्या रखा था। उनको जो जो कद उनका है और जिस प्रकार की प्रसेप्शन हमारी सरकार के खिलाफ उन्होंने चाहे झूठा बनाया, लेकिन जो प्रसेप्शन बनाया और जो उनका समाज उनसे अपेक्षा करता था, वो चीज़ें इस सरकार में मिल नहीं पाई। और पर्चियां आई और पर्चियों से सरकारें बन गई, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी का जो सम्मान नहीं हुआ, उससे आहत होकर के उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि वो बात के दनिया, अब इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। शिक्षा मंत्री ने जो आदिवासियों के लिए कहा है कि नहीं, तो हमने कह दिया ना, उससे निंदनीय तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि शिक्षा मंत्री शिक्षा जैसे महकमे को चलाने वाले, जिससे उम्मीद करते हैं कि कैसे क्वालिटी की एजुकेशन, कैसे सुसंस्कारित शिक्षा बच्चों को देनी है, वो शिक्षा मंत्री अगर इस तरीके की टिप्पणियां हमारे एक बहुत बड़े आदिवासी समुदाय के लिए करे, तो वो वास्तव में निंदनीय भी है। और उस कृत्य के लिए उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे विभाग लेकर के, उनका इस्तीफा लेकर के किसी दिगर सक्षम व्यक्ति को देना चाहिए। आज जो श्री सिंहपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई है, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ विद्यालय परिवार ने कार्यक्रम रखा है, विदाई समारोह। उसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने 1989 में जुलाई में शिक्षिका के रूप में सर्विस ज्वाइन की थी, और आज 6 साल पहले 2029 में सेवानिवृत्ति थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से हमने आज सेवानिवृत्ति उनकी ली है 5 जुलाई को। तो आज ये जो कार्यक्रम था वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, सुनीता के पिताजी भी शिक्षक थे, और सुनीता स्वयं शिक्षिका होने के कारण से मेरे दोनों बच्चे, बहुएं, पूरा परिवार अच्छे तरीके से शिक्षित बच्चे हुए, और बहुएं भी शिक्षित आई, पूरा परिवार शिक्षित हुआ, और मुझे भी शिक्षा मंत्री के रूप में 3 साल तक राजस्थान सरकार में काम करने का, पिछली कांग्रेस सरकार में काम करने का मौका मिला। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमसे बन पड़ा करने का काम किया, और आज हमारे लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक 35 साल की सेवा के बाद में मेरी धर्मपत्नी यहाँ से रिटायर्ड हो रही है। मैंने यहाँ विद्यालय के परिवार को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये कहा है कि हम हमेशा इस शिक्षा जगत से भी, शिक्षा विभाग से भी, और इस विद्यालय से भी पारिवारिक रूप से हमेशा जुड़े रहेंगे। जहाँ भी, जिस रूप में भी हमारी आवश्यकता आपको हो, कोई भौतिक संसाधन की बात हो या किसी रूप में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, तो आप हम लोगों को याद करेंगे, हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। राजनीति भी आपका सेव? नहीं 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 नहीं, राजनीति मैं ही करूँगा। ये घर का काम जैसे कर रही है वैसे ही करेंगे। एक उपचुनाव उसमें लेके क्या रणनीति? देखिए, 5 उपचुनाव हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के ही वहाँ पर MLA जीते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5ों विधानसभा क्षेत्रों की कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमने कमेटियाँ बना दी हैं, मीटिंगें उनकी चल रही हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जब भी निर्वाचन आयोग इनकी घोषणा करेगा, हम लोग पूरी तैयारी के साथ में कैंडिडेट्स पार्टी आला कमान को प्रस्ताव भिजवा करके, जब पार्टी आला कमान डिक्लेयर कर देगा कैंडिडेट को, उसके बाद में हम लोग पुणे जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 6-7 महीने में कोई काम नहीं किया, उनका कोई विजन नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कह रहा है कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी है, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसी में पूरे राजस्थान में आज की तारीख में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारा का सारा जो काम है वो आपस में
झगड़े का और किसी भी क्षेत्र में काम अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है, तो इसका भी जनता में आक्रोश है। और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के तौर पे लोकसभा में अपना देश के लोगों का जो विचार है, जो देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनको रखा है, मैं समझता हूँ उससे और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। हमने टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में भी सरकार को घेरने का काम किया है, जनता के मुद्दों को हमने आवाज़ दी है। तो मैं समझता हूँ कि जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है और पांचों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती।